भीम के नारों से। मैं नमन करता हूं उस महामानव को जिसने संविधान बनाया। हिंदुस्तान में अगर सबसे बड़ा कोई लीडर था तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर था, जिसकी पूजा देश में ही नहीं विदेशों में भी होती है, जिसे पूरा विश्व ज्ञान का देवता, ज्ञान का सूर्य, सिंबल ऑफ नॉलेज कह करता है। मैं नमन करता हूं ऐसे महामानव को। साथियों, जिंदगी में अगर उजाला है तो भीम की वजह से, वरना यह सूरज तो पहले भी था। और जिस दिन अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्ग को सत्य इतिहास का पता चलेगा तो उस दिन भारत में राजनीतिक भूचाल आ जाएगा। धर्म के नाम पर राजनीति करने वाले बोरिया बिस्तर बांध लेंगे। साथियों, फिर से द्रोणाचार्य मांग रहा है मत देना एक लाख अंगूठा। SC ST एक्ट में बदलाव नहीं सहेंगे, आरक्षण से खिलवाड़ नहीं सहेंगे। देश की सरकार ने SC ST एक्ट में उंगली करके 2019 के लिए अपनी कमर ठोक दी है। साथियों, जिसके ऊपर मिट्टी डालने का कार्य सिर्फ और सिर्फ देश के भीम सैनिक SC ST वर्ग ही करेगा। जुल्म के आगे दुश्मन भी झुक जाएगा, हौसला बुलंद रखोगे तो वक्त भी रुक जाएगा। बाबा साहब कहते थे अगर रहोगे एकता से तो इंसानी क्या आसमान भी झुक जाएगा। पानी पीने का हक तो एक जानवर को भी होता है। साथियों, फिर भी बाबा साहब दुनिया के पहले ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने पानी के लिए भी सत्याग्रह करना पड़ा था। आप छाया में बैठे हो, इस छाया के लिए किसी ने लड़ाई लड़ी। बच्चा स्कूल जाता है, बाय बाय करता है, पापा बाय बाय, मम्मी बाय बाय, इस स्कूल के लिए किसी ने लड़ाई लड़ी। इसने लड़ाई लड़ी, उसको स्कूल से वंचित रहना पड़ा था, उसे चप्पलों के पास बिठाया गया था, उसको नल से पानी पीने की मनाई थी, टीचर उसकी स्लेट और कॉपियों को छूता नहीं था। लेकिन उसने सौगंध खाई थी कि मैं मेरी पीढ़ियों के साथ ऐसा नहीं होने दूंगा। लेकिन क्या आपके साथ ऐसा होता है? नहीं होता। किसने कीमत चुकाई थी? क्या आपने चुकाई थी? नहीं चुकाई। आपने इस आजादी की कोई कीमत नहीं चुकाई। आप फोकट में सुविधाएं ले रहे हैं, लेकिन यदि बदले में अगर आप आज कीमत नहीं चुकाते हैं तो मैं आपको गद्दार कहूंगा। गद्दार, वो गद्दार जो बाबा साहब के साथ गद्दारी करता है, वो गद्दार जो भारतीय संविधान के साथ गद्दारी करता है, वो गद्दार जो अपने देश के साथ गद्दारी करता है। अब आप पूछोगे कि देश के साथ क्यों? क्योंकि देश की 90% जनता वो है जिसने घर बनाए हैं, जिसने तपती दोपहर में लोहे काटे हैं, जिसने कपड़े बुने हैं, जिसने खेतों में काम किया है, वो लोग जिसने गाय पाली है, भैंसे पाली है, खून की नदियां बहाई हैं। अगर आपका पढ़ना, आपका लिखना उस आदमी के कारवा को आगे नहीं ले जाता तो मैं आपको एक अंबेडकरवादी भी नहीं कहूंगा। इसने सुगंध खाई है। जब भी आप पानी पिए, आप बताएं अपने बच्चों को कि यह पानी बाबा साहब की मेहनत की वजह से मिला है। साथियों, मैं झूठ नहीं कह रहा, जब गांधी जी दांडी यात्रा कर रहे थे नमक के लिए, तब बाबा साहब पानी के लिए लट खा रहे थे। उन्होंने हाथ तोड़वाया था, आपने तोड़वाया था? नहीं तोड़वाया, किसी ने भी नहीं तोड़वाया, बाबा साहब ने तोड़वाया था। और उस वक्त जब गांधी जी नमक के लिए लड़ रहे थे, नमक कानून तोड़ने के लिए लड़ रहे थे। अब आपको तय करना है साथियों कि आपके लिए नमक जरूरी था या पानी जरूरी था। तो उसकी कीमत चुकाएगा कौन? संघर्ष। वो संघर्ष कौन था? आप अपने बच्चों को बड़े प्यार से छाती से लगाते हो। बाबा साहब ने भी चार संतानें कोई थी। जब बाबा साहब विदेश से आए थे तो आते ही देखा कि मेरे 3 बच्चे नहीं है। फिर एक बच्चा गंगाधर निपटा तो पूछा, रमा मेरे 3 बच्चे कहां है? तो रमा रो दी। और उसके बावजूद भी देखिए उसका कलेजा कैसा था। खूब करो साहिब कोशिश हमें मिट्टी में दबाने की, खूब करो साहिब कोशिश हमें मिट्टी में दबाने की। शायद आपको नहीं मालूम कि हम बीज हैं, आदत है हमारी बार बार उग जाने की। अगर मजबूरी का नाम महात्मा गांधी है तो
तो मजबूती का नाम भी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर है। अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ने के लिए बाबा साहब अब दोबारा नहीं आएगा। ये क्रांतिकरण बाबा साहब यहां तक ले आया, अब हमें और तुम्हें ही इस रथ को आगे ले जाना है। साथियों, आज देश में एक दुखद फैसला जो सुप्रीम कोर्ट से आया, इसने पूरे देश को जलाकर रख दिया। हमारे दलित आदिवासी भाइयों की को जख्मी करके रख दिया। और मुझे इस बात की समझ नहीं आ रही कि क्या सोच के फैसला किया है। काश ये फैसला करते समय हमारे हालात को जाना होता, गरीबों की बच्चियों में नहीं होते, देश की बहन बेटियों के साथ जो अत्याचार हो रहा है, जो जुल्म हो रहे हैं, इसकी शायद दास्ता आपको मालूम नहीं है। लेकिन मैं आज आपको एक बात बताना चाहता हूं कि यह एक सोची समझी साजिश है, यह एक दुखद फैसला है। और यह फैसला करने से पहले शायद तुम गरीब की बेटी बनकर गरीब की बत्ती में दिए होते, तेरी मां ने सर पर गंदगी की टोकरी उठाई होती और तुमने भी सिमर के दो घूंट पिए होते। दिल पे जब गुजरती है ना बेदर्द जमाना, क्या जाने छबे जब गुजरती है कैसे, कोई महला वाला क्या जाने, गम कतरा कतरा बहते दिल होले होले जलता है, हम तन्हा तन्हा रोते हैं, बेदर्द जमाना क्या जाने। लेकिन मैं ये दुख के साथ आज अपने वीर शिक्षकों को कहता हूं कि उठो मेरी कौम के लोगों, उठो मेरी कौम के लोगों, अब तो सौरभ को जगा दो, जिसने बाबा साहब के सम्मान को चोट की है, ऐसे तख्तों को जला दो। आज हम यह बर्दाश्त करने के लायक नहीं है, हमसे अब बर्दाश्त नहीं हो रहा है। आज देश की सरकार को जवाब देना है, आज इस मोदी की सरकार को बताना है कि वो आरएसएस का झंडा लागू करके क्यों देश को तोड़ना चाह रहे हैं, ऐसा क्यों हमारे साथ कर रहे हैं, ऐसा कत्ल किया सदियों से, ऐसा कत्ल किया सदियों से, जालिम ने हमारा, कभी कातिल बदल गए तो कभी खंजर बदल गए। लेकिन लेकिन साथियों बर्दाश्त नहीं करेंगे, देश प्रेम में तो हम हर जुल्म उठा लेते हैं, देश प्रेम में तो हम हर जुल्म उठा लेते हैं, कमान से निकला हुआ हर तीर उठा लेते हैं। अब बात आई है बाबा साहब अंबेडकर की कौम पे, तो हम वो है जो कलम छोड़ के तलवार उठा लेते हैं। जय हिंद।